बिना पेट्रोल का बाइक चला रहा हूँ मैं। ये ढलान नहीं होते ना, आज वाट लग जानी थी। ढलान पे ना मैं बाइक बंद करके उतारूंगा। अब क्या अगर पेट्रोल है नहीं तो नौसिखिया होने के नाते मैंने ये काम कर दिया। सीधा का एक बार दिखाता हूँ, रुक के 700 किलोमीटर ये बाइक चला लिए तो आई थॉट कि एक हंटर का छोटा सा रिव्यू प्यारा सा दे दे। सेब का पेड़, ये देखो ताजा एप्पल। ये रहा मयंक और व्यू, हम लोग अब कैप्चर करेंगे आंखों में और कैमरों में। हम लोग निकल चुके हैं गंगोत्री धाम से। सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, वो लोग निकल रहे हैं साथ में। और यहाँ पे सुबह सुबह हमने दर्शन किया। गंगा जी का पानी बहुत ठंडा था, मैंने एक बोतल पानी भरा, मेरा हाथ उसमें सुन गया, मतलब इन्फेक्ट लग रहा था, हाथ में आग लगा हुआ है, इतना जल रहा था। फिर ज़्यादा कुछ नहीं, फिर हमने नाश्ता किया और निकल गया। तो मंदिर में शूट नहीं करता हूँ, देखो हॉस्पिटल मंदिर ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं शूट नहीं करता हूँ, इसलिए वो है नहीं कुछ वैसा मेरे पास दिखाने को। फिर जो क्लिप होंगे वो मैं अटैच कर दूंगा, तो वो एक है। फिर अब यहाँ से निकल रहा हूँ, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि बाइक चल रही है रिजर्व पे मेरे, और पेट्रोल इधर मिल नहीं रहा है। पेट्रोल मेरे को सीधे मिलेगा अभी 8 किलोमीटर आगे भैरव घाटी में, क्योंकि 2-3 लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने ये बताया आते टाइम कल नहीं ले पाया और कम से कम 2-3 लीटर पेट्रोल डाल दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं न्यू तैरी के लिए, वहाँ पे हम लोग को कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह शायद करेंगे, तो करेंगे इन्जॉय वगैरह। आज रात और वहीं पर स्टे करेंगे और फिर कल निकल जाएंगे वापस नोएडा के लिए। तो अपना ट्रिप यही था। हम लोग गए यमुनोत्री, दूसरे दिन गंगोत्री, अब आज तीसरा दिन है। वापस लौटते टाइम हम लोग जा रहे हैं न्यू तेरी ऋषिकेश के पास, वहाँ रुकेंगे। और मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूँ बाइक ढलान पे ना, मैं बाइक बंद करके उतारूँगा। अब क्या अगर पेट्रोल है नहीं तो, हाँ मैं क्लच से मैं इंजन ब्रेकिंग कर सकता हूँ, तो मैं ढलान पर बाइक ही बंद करके चलाऊँगा। हो नॉट रिकमेंडेड कि बाइक बंद करके आप ढलान से उतारो, रिस्की होता है। अभी देखो मैं सुबह सुबह उठाऊँ, सुबह सुबह 6 बजे नहाया है -2 डिग्री में, तो अभी मेरा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा। थोड़े देर धूप में पहाड़ों में चला लेने दो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मज़े से बात करता हूँ। और आप लोग एक बार ये फील करो, मैं न्यूट्रल पे बाइक को छोड़ दिया है, बंद है बाइक, लग रहा है इलेक्ट्रिक बाइक लेके आया हुआ हूँ पहाड़ों में। एकदम कोई शोर शराबा नहीं, ना इंजन का साउंड ना कुछ, बस मैं हूँ और मेरे साथ मेरी बाइक, और कॉल आ रहा है अमन KTS। अभी टाइम हो रहा है 9:48 और मुझे कवर करने हैं 189 किलोमीटर्स, जिसमें हमें टाइम बता रहा है 6 आवर्स, 6 घंटे लगने वाले था, 6 घंटे की राइड होने वाली है। पर यार अंधेरा हो जाएगा जाते जाते, तो एडवेंचर स्पोर्ट क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, लेट्स सी। ऑलमोस्ट बिना पेट्रोल का बाइक चला रहा हूँ मैं। ये ढलान नहीं होते ना, आज वाट लग जानी थी, मतलब कट्टू कट होता जो भी होता, पर अब मेरे ख्याल से सरप्लस में रहूँगा, क्योंकि इसी में तो मैंने, यहाँ पूछ लेता हूँ एक बार इन्हें, पेट्रोल किधर मिलेगा भैया, कितना, कहाँ, नीचे मार्केट में, कितना किलोमीटर होगा और, ओके। पकड़ना भैया, तो फाइनली 3 लीटर पेट्रोल। हाँ हम तो बंद करके गाड़ी ला रहे थे ढलान पे, आप कोई दिक्कत नहीं, चलो फाइनली फ्यूल का टेंशन गया। 3 लीटर रहता है रिजर्व में और 3 लीटर ऊपर से डाल दिए, 6 लीटर है अभी। नौसिखिया होने के नाते मैंने ये काम कर दिया कि पहाड़ों में पेट्रोल नहीं डलवाया था मेरा, जब जैसे 4 था ना जब पेट्रोल, मतलब आधा टैंक था, तब उस टाइम हम लोग शहर में थे
फर्स्ट टाइम मैंने भराया नहीं, फुल नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगा आगे जब 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा तब भरा लूँगा कभी भी। और जैसे वो 4 हटा है वैसे ही शहर हटा है, उसके बाद से एक जगह भी पेट्रोल पंप रास्ते में नहीं दिखा है। 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, रिजर्व में ऊपर चला गया, फिर आंसू से रिजर्व में उतार रहा था मैं, तो विच इज़ अ बिग मिस्टेक। जैसे ही हाफ टैंक हो भरा लो, फुल करा लो, कहीं भी हो तुम, नहीं फ़र्क पड़ता है 10 किलोमीटर आ गया, नहीं फ़र्क पड़ता है कि 20 किलोमीटर आ गया, जहाँ पेट्रोल पंप दिखे हाफ होने के बाद पेट्रोल टैंक फिल करा लो पहाड़ों में। नीचे देख रहा सीधा खाई है भाई साहब, सीधा खाई, अब टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं, सीधा खाई। एक बार दिखाता हूँ, रुक के चेक करो, सीधा वो ग्लेशियर वाले पहाड़ और यहाँ सीधा खाई। और ज़्यादा किनारे में पहाड़ों पे नहीं रुका जाता, क्योंकि ज़्यादा एज पे रुकोगे हो सकता है ज़मीन घिसक जाए और आप नीचे चल जाओ। 700 किलोमीटर्स ये बाइक चला लिए, तो आई थॉट कि एक हंटर का छोटा सा रिव्यू प्यारा सा दे दे कि बाइक इज़ नॉट दैट बैड। हाँ छोटी है थोड़ी सी, टायर छोटे हैं, पर जिस काम के लिए बनी है उस काम के लिए बेस्ट है। सिटी यूजेस के लिए कभी कभार थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए अच्छी है। और शुरू शुरू में लगा था हैंडल थोड़ा रीच आउट करना पड़ रहा है, दूर है, पर आफ्टर राइडिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स मुझे अब नहीं लगता वैसा, अब सही है, मतलब एर्गोनॉमिकली भी ठीक है। किसी और बाइक से शिफ्ट करो तो ऑफकोर्स इसका टैंक छोटा लगेगा, हैंडल दूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसको कुछ देर चलाओ, यूज टू हो जाए इससे, तो गाड़ी अच्छी है। पर ऐसा लोअर बैक पेन, कमर अकड़ गई, हाथ में दर्द, ये सब नहीं हो रहा इस बाइक पर, विच इज़ अ गुड थिंग। जब दो लोग बैठते तब पावर की भारी कमी महसूस होती है, ये मैं बोलूँगा। लोअर गियर्स पर नहीं, हायर गियर्स पर तो बहुत ज़्यादा, पर दो आदमी के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है बाइक, सीट बहुत छोटी है, दो लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं, बैठना चाहे तो बैठ सकते। पिलियन का पैर दुख जाता है क्योंकि थोड़ा एंगल पे है फुटरेस्ट, छोटी बाइक होने के कारण फुटरेस्ट पीछे दे रखा है, तो इसलिए मुड़े मुड़े एक एंगल पे पैर दुखने लगता है, अगर पैर सीधा रखा जाए तो नहीं दुखता है पैर। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं इस बाइक में, बाकी तो एक अच्छा से रिव्यू दूंगा राइड के फिनिश होने के बाद। वो देखो बर्फ़, मेरे तो हाथ नहीं आई बर्फ़, पर क्या बताएं, दूर दूर में दिख रही है अच्छे से। क्या बोलूँ व्यूज़ के बारे में, चेक करो एक बार, इधर सीढ़ी जा रहा है, उधर पहाड़ है, नीचे पानी है, हो यहाँ ब्रिज है, इधर भी पहाड़, सेब का पेड़, तो पहली बार मैं देख रहा हूँ सेब का पेड़। सेब का पेड़ है ना, पहली बार देख रहे सेब का पेड़, ठीक ठीक। ये देखो ताजा एप्पल, इससे ज़्यादा ताज़ा एप्पल हम नहीं देखे थे कभी तब तो। वो देखो पूरा सेब का ही पेड़ है, हो पहाड़ों के बीच से हेलीकॉप्टर, यार ये तो अलग ही मज़ा आ रहा होगा इन लोगों को। वहाँ से निकल के आया, प्रॉपर चला गया। उन्हील में रोड टूटा रहता ना, बहुत दिक्कत होता क्योंकि ABS वाली गाड़ी, अगर मैं स्पीड में आऊँ ब्रेक लगेगा ही नहीं, सीधा नीचे जाऊँगा, तो इन सब जगह प्रिकॉशन रखना पड़ता था, सेडलिंग भी करना पड़ता है, यहाँ से ऊपर चढ़ना है हमें, और फिर यहाँ पे सही रोड नहीं, आगे और थोड़ा सा ख़राब है अभी, इसे भी क्रॉस कर लिया जाए उसी मोटिवेशन के साथ। ओ हो तक मस्किन किनारे से भी पार कर सकता, बस ये भसक ना जाए साला। मैंने देखा ये जो पत्थर है ना, यहाँ तक आपको लगेगा सेफ है, ये पूरा का पूरा नीचे गिरा हुआ देखा है मैंने, मतलब प्रॉपर ये जो रोड है ना आधा नीचे गिर जाता है। यहाँ का पानी कहीं भी देख लो एक्वा ब्लू ही दिखता है, एक्वा ब्लू प्रॉपर, मतलब इन सबको तो कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मल कैमरे शूट करो तो ऐसा। यहीं पर ज़्यादा टाइम हम लोग को रेनबो दिखा था, अगर आप लोगों को रिमेम्बर होगा, तो वही जगह पे हम लोग वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो ना पानी कितना अच्छा उड़ रहा है, ये पूरा पड़ेगा ऊपर से ठंडा ठंडा, अच्छा लगता है। ओहो ओहो, आज ज़्यादा ही उड़ रहा है भाई, अभी तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। ओहो ओहो ओहो, चिल्ड चिल्ड चिल्ड, ये तो पूरा भिंगा दिया इसने। अब उसने पेट्रोल दिया था कि पेशाब दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। दो कांटे गिर चुके हैं,
और अब शहर में पहुंच चुके हैं। आई थिंक छोटा शहर है, यहाँ पेट्रोल पंप मिल जाए तो बहुत लक्की हो जाएगा, वरना फिर आगे खींचेंगे जहाँ तक जा रहा है। पेट्रोल पंप मिलते ही फुल टैंक कराएंगे इसका। तो पेट्रोल पंप मिल चुका है, यहाँ पे फ्यूल अप कराते हैं फुल और फिर निकलते हैं आगे। देख लिया देख लिया, तो यहाँ फुल हो रहा है, इसमें डीजल फुल होगा। इसमें कितना है अभी, आधा टंकी था इसमें? नहीं यार, ये भी कम था। तो इसमें 8 लीटर और आ रहा है, ज़्यादा नहीं भरना ऊपर तक, नॉर्मल कर दो बस। 8.49 लीटर, 804 रुपये। फ्यूल अप हो गया, अब कोई टेंशन ही नहीं है, अब फ्री माइंड होके बस कमर के दर्द पे ध्यान देना। अभी पता नहीं कैसे अचानक से लोअर बैक दुखने लगा, 2 दिन से नहीं दुखा है, आज दर्द पकड़ लिया है, आई डोंट नो व्हाई। तो सीधा रोड मिल नहीं रहा, खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ फिलहाल रेगुलर, लेट्स सी। रास्ते में रुके हैं लंच के लिए, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये रहा रेस्टोरेंट, चलो लंच करने। ये रास्ता काहे लिया अलग से, कोई स्पेशल रीजन? रूट से बार बार जाएंगे। अच्छा, फिलहाल हम लोग ने रूट चेंज कर लिया है, जिससे आए थे उससे नहीं जा रहे, ये रूट डिफरेंट और यहाँ के व्यूज मतलब पूरे अलग है, इसीलिए हमने बेसिकली ये रूट लिया, क्योंकि यहाँ पे व्यूज एकदम डिफरेंट है पिछले रूट से। बाइक चला रहा है, इसका सिर घूम रहा था, तो ये आ गया और मयंक बैठा है पीछे और हम लोग आ गए हैं तेहरी, और बाइक में अभी राइड कर रहा हूँ, और तेहरी का जो ये लेक है वहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा। ये आपको हल्की हल्की ब्रिज दिख भी रही होगी अभी भी, और आगे चलते हैं ब्रिज से आपको दिखाते हैं। हमने गाड़ी कर दी है स्टॉप, ये रहा मयंक, ये रहा मयंक, और व्यू हम लोग अब कैप्चर करेंगे आंखों में और कैमरों में। अक्षय कर रहा है व्लॉगिंग, थोड़ा मजा लो, हम पीछे आराम कर रहे हैं, आज का थोड़ा लोड मेरे ऊपर कम हो गया। चलो, वो होटल है? हाँ होटल है पक्का। तुम देखियो उसका रिव्यू व्यू, हम उसमें विनोद उसमें गया भी है। अच्छा कैसा है बताओ? वो अच्छा है, उसका स्पेशलिटी क्या यही ना कि पानी के बीच में है। हाँ मालदीव वाला फील है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिज के पास, और अभी हम लोग अब पास करेंगे ब्रिज, और यहाँ पे हमने रोक दिया गाड़ी, और आगे आगे चल रही है थार और हम लोग पीछे पीछे, और आपको आगे का व्यू कुछ दिखाता हूँ कुछ इस तरह का। और ब्रिज के पास ही इस तरह का नज़ारा, देखो वहाँ पे बाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है। कॉल करें? अभी थोड़ी करवाएगा, अभी नहीं कर पाएगा, डिटेल ले लेते हैं। चलो तो ये अगर टाइम मिला कल हम लोग को पैराग्लाइडिंग का सीन हो सकता है। तो हम लोग तेहरी में रुक चुके हैं, उधर गाड़ी खड़ी अगर आपको दिखे तो, दिस इज़ आवर होटल, रात भर यहाँ रुकेंगे, अक्षय बाइक चला के लाया है, और कल थोड़ा वाटर, कल थोड़ा एडवेंचर करने का है ना प्लान, कॉल वॉल कर लिए, बात बात कर लिए, देखते हैं कल का सीन, आज अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक लगेगा।